चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वैसा भारत का सबसे बड़ा जो पद है वो भी आज महिलाओं पे है, इसके लिए तो कोई अपने को कमजोर ना समझे। इवते 2 साल 3 साल 4 साल में फिर मैंने कह देंगे 100 मीटर इधर की जमीन, 100 मीटर इधर की। ये भी हमारी एम ने तो कह दिया था भाई तुम अपनी फसल बोते रहो, तो आप लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा। जाडा खरसा चुमासा कुछ ही हो, 100 रुपए घंटा बिल, 1000 रुपए एक ट्वेल का बिल, 3,65,000 रुपए एक ट्वेल का बिल आओगे आप नहीं बोल लोगे। ये किसान आज बारूद के ढेर पे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, जो तुमने केना सा भी पीछा मार दिया तो कुछ नहीं रहने का। उपस्थित क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, हमारी माता और बहनों, भाई आज तो यह पंचायत है सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी, हम तो सुना नहीं आए थे। खैर आप लोगों ने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। बातचीत जैसा महिलाओं की है, आज के जो तीज त्योहार है, सबसे बड़ी तो यही बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो तीज त्योहार है इनके आज सारे है या सबसे पहली उपलब्धि है। जो कुछ भी जो हम भुल्लू बैठे भाई, कहीं तीज जो है, कहीं व्रत है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो इनके याद वे कनागत है, वे भी इनके याद सारे। तो सबसे बड़ी तो इन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद दे। वैसा भारत का सबसे बड़ा जो पद है वो भी आज महिलाओं पे है, इसके लिए तो कोई अपने को कमजोर ना समझे। जो भारत की राष्ट्रपति है वे भी महिला ही है भाई। कई जिलों की डीएम भी है, एसडीएम भी है, पुलिस कप्तान भी है, ऐसी बात नहीं है कुछ, पर थोड़ी सी मारे इंगे तो ये शर्म करे आती हुई पंचायतों में। हम भी पहले नहीं सोचा करते थे भाई चलो इन बिना भी कुछ नहीं, ऐसी बात है, पर नहीं आज समय ऐसा आ गया, भागीदारी जरूरी से आ गई। आप लोगों को या सरकार बर्बाद कर देगी, किसी दिन की नहीं छोड़ने की। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हाईवे निकलन लग रहे, मोटी सी बात बता रहा मैं 2-4 मिनट में, ये हाईवे निकलन लग रहे एक जगह तो है 1,20,25 लाख रुपए का रेट, यहां श्यामली मान के वही 12 लाख रुपए का रेट होगा। इतना भेदभाव क्यों है भाजी? हाईवे निकल रहा वहां तक जहां तक जाएगा एक ही रेट होना चाह, वहां को क्या स्पीड कम हो जाएगी गाड़ी की? पर सुनाई कहीं नहीं, एक और कर दिया काम इन्होंने। हाईवे के साथ साथ 100 मीटर इधर 100 इधर आप 2.5 फुट की फसल बो सको, कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ हो रहा। 2.5 फुट की फसल बो सको, इस तरह ऊपर की फसल को वो आपको अधिकार नहीं है। और वो इवते 2 साल 3 साल 4 साल में फिर मैंने कह देंगे 100 मीटर इधर की जमीन, 100 मीटर इधर की। ये भी हमारी एम ने तो कह दिया था भाई तुम अपनी फसल बोते रहो, तो आप लोगों के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा। हमारी महिलाएं, माताएं, बहने, गैस सिलेंडर की बात है कालोक जा लिया, बिजली के बिलों की बात है कहां कहां तक चुमाओगे तुम, कहां कहां तक जान बचाओगे, हम नहीं जाते चल रहा काम। आप लोगों का तो वो दिन होना, वह मुर्गू की दुकान होनी, उसमें कहा कहोगा कहने भाई मुर्गा दे दे तो उसे पकड़ कर दे देगा, दूसरा कहा कहोगा दूसरे को दे देगा मुर्गे ने सोचे भाई तेरी तो जान बच गई तो उसके आ रहा था वार। सारे लोग सबका वार हाल है, तम नु सोच रहे हो नहीं, तम नु सोच रहे हो थारा पंडा छूट जाएगा, रेडू तो हमारे पे भी जुड़ जाएगा पर हमारे पे बाद में जुड़ेगा। तुम मुझ चालाक की दिखाते हो, तुम यह चालाक की दिखाते हो पर नहीं हम तो बच जाएंगे, तुम कोई नहीं बचता ना। हमें भाजपा का कुछ विरोध है, हमें तो इसकी नीति का विरोध है, नीति बिल्कुल खतरनाक है, तुम्हें किसी दिन का नहीं छोड़ने की। बिजली के मीटर पर रोज रोड़ा हो रहा, 12 रुपए रोज रोड़ा, 12 रुपए मीटर लगाओ,
₹100 घंटा बिजली देंगे, 10 घंटे बिजली देंगे, ₹1000 एक ट्यूबवेल का बिल होगा। सुन लियो सब पता, जाडा खरसा चुमासा कुछ ही हो, ₹100 घंटा बिल, ₹1000 एक ट्यूबवेल का बिल, ₹3,65,000 एक ट्यूबवेल का बिल होगा। आप नहीं बोलोगे, अगर आप चुप रहोगे थारा युद्ध ही होने वाला। एक रुपया बधा तो नहीं, थारी गन्ने की फसल है, एक रुपया बधा तो नहीं। ₹30 का फर्क है पंजाब को यहां से, एक क्विंटल गन्ने पर ₹30। तो हम तो आप लोगों को यही कहे, हो सके कहीं को भूल चूक मेहनत भी हो जाती होगी, पर हम ऐसे आदमी नहीं, ना हमारा कोई इरादा है, कोई इरादा नहीं है। एक आदमी भी मारे तो देहला हो, मारे तो परेशान हो, हम देहल बने उस बात की, पर वो है नहीं। जो कडामर रस पके उसमें वो जर हो, एक जर उसमें सब मिलती छिण जा, तो ये छटन लग रहे, ये छटन लग रहे। तुम इस बात का बेफिक्र रहो, एक आदमी जाएगा 100 जुड़ेंगे। इफ़ जा हमें कहे कि इन्हें भाई वहां तो कदर नहीं है, सम्मान नहीं है, और सिर पर थोड़ा ही बैठाऊंगा, बतेरा सम्मान है लोगों को। हाँ हाँ जी ना जी तो बोल रहे, और क्या आख रहे भाई, ऐसी नहीं बात है। जिन्हें जिन्हें भी कोई दिक्कत हो भाई, ठीक है, मारे तो इस बत्ती सम्मान होता नहीं भाई। हम तो किसी को ऊंची आवाज तक नहीं बोलते, यू लालच है नहीं लालच। लोग धन धन धन, और जब आदमी मर जा नहीं फिर नहीं धन हो जा, नी पीछे लग जा, पहले लग जा नी। हाँ तो भाई यू कच्चा लालच है, इस सरकार ने कच्चा लालच दे दिया कितने को, वे किसी दिन के नहीं रहने के, वह नहंगे के रहने के, नहंगे के रहने के, वे किसी दिन के नहीं। या तो भाजपा है, भाजपा में तो चलती गाड़ी की यार है भाजपा, तो तुम सोच रहे हो भाई हमने भी वोट दी भाजपा को वोट दी, खूब बढ़िया डाला दी, पर भाई नहीं, इफ जाए उन्होंने जबरदस्ती सोच ली, जबरदस्ती तो तुम अपने राज करो भाई। सरकार पहले भी रही, ये कांग्रेस की सरकार रही, 36 महीने का बिल, 36 महीने का बिल उस सरकार ने माफ करा था। इन्हू कहने का उसका ये उसका नाम ना लो, क्यों ना ले नाम भाजी, उन्होंने अच्छे काम कर रखे। 36 महीने का बिल, बोपन एयर पर ट्रैक्टर, नए ट्रैक्टर दे दिए थे। राजीव गांधी ने अपनी मां की रैली हटा ली थी, अंत और क्या है बात भाई। और जो भी सरकार है, किसी में ₹40 गन्ने के रेट में दे, किसी पर कभी ₹25 कभी कुछ, ये अपना चाहे तो ढंग तक कर लो भाई। अन्य आंदोलन तो भाई क्या तुम्हें करना पड़ेगा, तो मजबूरी है। तुम कोई कोई न सोचता हो भाई इस तरह बच के पंडा छूट जाएगा, छूटने का नहीं। शांति के तरीके का आंदोलन 35 साल तक यू आंदोलन चल रहा, सब तो बड़ी शांति के तरीके तय है। हम किसी भी आदमी को यानी कहते कि तुम हिंसा का आंदोलन करो कहीं भी, ठीक है। हमें पता भाई सुनाई कम हो रही, आप लोग रुक कर रोलो तो भी बच लो, कहनी कहनी बात तुम पे रुक कर रोले इतने हो रहे, फिर बेकाबू बात हो जा, उस बात पे भी आप लोग ध्यान दो। बेलगाम प्रशासन, बेलगाम शासन, 80-80 हजार रुपए, 90-90 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही, ऊपर तो ऊपर की रिश्वत बिचारी। कोई थाना नहीं ऐसा है जो कोई एक बड़े आदमी थाने में चले जाओ बिना तो हुआ जा। तो हम तो आप लोगों को यही कहे भाई, बड़ा अच्छा लगा, महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की भागीदारी इतनी हुई, और भी ज्यादा हिस्सा लो, ठीक है।
संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ से मुजफ्फरनगर जिला ही था पहले, यू श्यामली भी यू भी हम भी इतिहास पढ़ू जा, महिलाओं का बहुत योगदान है। यहाँ से 300-400 महिलाओं को एक बार फांसी दे दी गई थी। यहाँ से कौन सा वो है मामला, यहाँ श्यामली में भी और इस जिले में श्यामली में पुरकाजी में जगह जगह कहीं। तो हम तो यही कहे, एक तो बड़ू का भाई जितने बुजुर्ग हैं इनकी भी अनदेखी बहुत हो रही, इनका भी ध्यान चाह रखना। बड़ू पे तो बड़ी अच्छी बात मिले सुनने को, तो इस बात के ध्यान रखते हुए अपने अच्छी तरह से संगठन मजबूत करो। इस संगठन के उसमें ही भारतीय किसान यूनियन के उसमें ही करोड़ों यात्रा मुख निगाह है, करोड़ों यात्रा मुख निगाह है संगठन पे। मारा भी जी बाजी बेरिया नहीं करे बिना मतलब का खामा खाबूरी आई भलाई। हम भी आदमी नु कह के भाई ये तो गुल्ले एक उठ जा, हम नु कह रहे थे पीछे की जरूरत तो हमें है, हम तो सब पता मांगे बाकी किसी के उल्टा तो नहीं भेजते। हमें तो किसी ने एक रुपया आज लोग दिया नहीं, और ना नु पता नहीं वो कहां से कौन सा स्रोत है भाई वन तक कहने पर दे दिए। नु कह किसान किसान तो बेच लिए, मैं कहने थारी नहीं कही कीमत है कौन खरीदेगा तुम्हें, तम खमका बिना उसके थारी कही कोई कीमत नहीं। वे हमें पीछे देकर हम पार देंगे, फिर हम उनकी सामी होंगे खड़े, कही कुछ नहीं। अपना इज्जत के साथ में जियो, 10 रुपये सामाजिक कामों में खर्च करो। यू किसान भवन है यू भी आप लोगों का, ये आप लोगों ने मेहनत से चंदा देकर आप लोगों ने यू बना रखा। कोई आदमी नु कहता हो हम यू वो करवा देंगे थारा काम करवा दें, किसी को ना तो भाई थी क्या, हमने किसी पता लेते ना, हमें कोई देता कद कोई नु कहने भाई वे ले रहे, हमें नहीं कही था कोई देता कुछ भी ना, हमें चाहता ना ही नहीं कुछ नहीं। वे बात बनाने वाले भी वे भी अपने ही आदमी है, बात बनाने वाले भी वे भी अपने ही आदमी है, अपने ही मारा गे रहे अपने ही बुरियाई करे भाई, सब अपने ही है। हो सके किसी को कुछ के ना मोटा विरोध हो, आदमी कर ले कुछ नहीं बात है, 2 दिन बुरियाई करेंगे फिर कहां जाएंगे, उतरना तो इसी छतरी पर पड़ेगा, कहां भागेंगे, भाग लो जहां लोग भागो, जहां लोग भागो बाज लो, कहीं कहीं कोई राह घाट देने वाला नहीं। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस महान भारत के महान लोगों, फिर भी मैं आप लोगों को कहूं मौका है, कोई आदमी बुरियाई सुरियाई करो उसे कह दो नहीं भाई कुछ नहीं, हमें नहीं कुछ चाहता, हम तो यह कहे तम नु कहो हमारी लड़ाई लड़ी जा रही, मारे लिए वे काम कर रहे हमारी लड़ाई लड़ी जा रही, अपने घरों बैठ कर भी वो काम कर लो, या भी बड़ी संजीवनी मिल जाएगी इसको, इस संगठन को या भी बहुत संजीवनी मिल जाएगी। पर यह तो दिक्कत यह है जो अपने ही आदमी रिश्तेदारी में जहां वहां कहते ना वहां तो कुछ भी नहीं, क्या नहीं, हाँ सब कुछ है भाई, नहीं एक तो बताओ क्या नहीं, हाँ ऐसा हमारी मां नहीं रही थी, कैसा नहीं रहे क्या नहीं है, जिम में कर रहे थे काम हम सब मंड रहे भाई ठीक है। तो भाई खैर कुछ ज्यादा ही बोलेगा, मैं इतनी तो बुलवा नहीं होती, बड़ा अच्छा लगा। और भाई ठीक है हम तो एक बताओ आप लोगों को भाई, हम सच्चे दिल तमन रहे, हमें केल लुको ना छोड़ दो, नहीं मारे पड़ेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे ना, बिल्कुल हकीकत बता रहा था मैं, हम नहीं नहीं सुन तो लो, हम तमस बिल्कुल मैं तमस सही बता रहा, ये किसान आज बारूद के ढेर पे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, जो तमने केना सा भी पीछा मार दिया तो कुछ नहीं रहने का, और नहीं हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने के कहीं किसी भी सूरत में आखिरी दम तक, ठीक है। जय हिंद जय भारत।